वंडरफुल प्लांट लवर्स, आज हम लोग विजिट करते हैं रेस्ट हाउस घूगरा घाटी राजस्थान वन विभाग गवर्नमेंट नर्सरी की। ये अजमेर की सेकंड गवर्नमेंट नर्सरी है जिसकी हम वन जो है विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम एक्सप्लोर करेंगे काफ़ी सारी प्लांट्स वैरायटीज़। क्या दोनों जगह सिमिलर हैं या कुछ डिफरेंस है? अंदर का व्यू यहाँ का काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी ग्रीनरी है। सेम ग्रीनरी अगर पूरे अजमेर सिटी में हो, पूरे राजस्थान में हो, तो कितना बढ़िया नज़ारा हो सब जगह का। अभी ये देखो, अपन ये थोड़ा मैं ऊपर की तरफ आ गई, ये शायद उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का कुछ ऑफिस वगैरह है। हमें नीचे की तरफ ही जाना है। लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पे इनके हैं और बीच में जो सड़क जा रखी है। इधर देखिए कितने सारे पिकॉक हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पिकॉक। ये जो गवर्नमेंट नर्सरी है काफ़ी पुरानी है, बट एक्चुअली आज मैं लेट भी हो गई थी, तो पहले हम इन्हीं का लुफ्त ले लें। कितने मतलब गजब है यार इनकी आवाज़ें, सब तरफ चारों तरफ इनकी आवाज़ें गूंज रही हैं यहाँ पे। यहाँ आने का मोटिव बिकॉज वो वाला गवर्नमेंट नर्सरी का विज़िट दोबारा करना तो है, बट अभी प्लांट जो है वो मुझे देखने थे कि वैराइटीज़ दोनों जगह सिमिलर हैं कि कुछ डिफरेंस है, तो वो ही चीज़ को हम एक्सप्लोर करने यहाँ पर आए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनकी खूबसूरती को निहार लें पहले, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। मुझे वही देखना था। मैंने यहाँ से जो अभी मैंने आते टाइम पे जो प्लांट देखे थे, एक मुझे ये, इसे पिकॉक फ्लावर भी कहते हैं और गुलतोरा भी कहते हैं, येलो कलर का है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है मुझे ये। इसमें सीड्स, ये जो आप देख रहे हो ना फलियाँ, ये इसके सीड्स हैं। इसकी पूछते हैं इसकी पौध इनके पास है कि नहीं है। इसमें काफ़ी सारे, ये गुलमोहर के ही एक वेराइटी है, पर ये ज़्यादा पेड़ की तरह नहीं जाता, एक श्रब की तरह रहता है। ये देखिए एक और पेड़ है, इसका मुझे नाम भी नहीं मालूम, और यहाँ मैं लेट हो गई तो मुझे कोई मिला भी नहीं कि मैं पूछूँ ये क्या है। मुझे खुद को नहीं पता चल रहा क्या है, अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ बताइएगा ये क्या है। मुझे बिल्कुल नहीं रिकॉग्नाइज हो रहा कि ये क्या चीज़ है, और पूछती किससे। तो अभी चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगर ये कल हो सकता है एक बार और यहाँ पर विज़िट करूँ। अभी तो यहाँ से निकलते हैं बिकॉज़ मैंने जो इसमें से ड्राई हो रहे थे वो तोड़ के देखे थे, समझ ही नहीं आया। ये इस तरफ देखिए, ये दिन का राजा है काफ़ी फ्लावरिंग हो चुकी है इस पर बिकॉज सीड पॉट बन के रेडी हो रखे हैं इसके, काफ़ी हेल्दी और काफ़ी बड़े प्लांट यहाँ पर हैं। वैसे तो अभी जो यहाँ पर मैम है उन्हें कॉल पर बात हुई थी मेरी, तो जो काफ़ी लंबे 6-7 फीट तक के पेड़ हैं वो जा चुके हैं, बिकॉज जुलाई से जब ये लोग अपना प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते तो बड़े पेड़ यहाँ से जा चुके हैं। 4 फीट तक के पेड़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, हर तरीके के मिल जाएंगे। ये यहाँ पर ये रखा हुआ है, अभी तो दिन का राजा रखा हुआ है। गुड़हल यहाँ पर ब्लूमिंग हो रखी थी, फ्लावर काफ़ी सारे खिले हुए थे गुड़हल के। ये यहाँ पर भी इसकी और दूसरी प्लांट की वेराइटीज़ है। अभी इन्होंने सीडलिंग रेडी करने के लिए, इनकी जो सारी क्यारियाँ हैं वो रेडी हो रही हैं, सारे सीड्स वगैरह इन्होंने रेडी करके यहाँ पे जो है अपने पौधे तैयार कर रहे हैं। सीडलिंग से जो प्लांट रेडी होता है वो कटिंग से रेडी होने के कंपैरिजन में काफ़ी हेल्दी होता है, ये बात तो जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो मानेंगे कहीं ना कहीं। बिकॉज जो सीड से प्लांट रेडी होता है उसकी टेक केयर हमें थोड़ी कम करनी पड़ती है एज़ कंपैरिजन जो हम कटिंग से रेडी करते हैं। ये देखिए, ये उसका काफ़ी बड़ा श्रब है यहाँ पर, इसी में से होप्सो शायद ये कटिंग्स कर जो है अपने प्लांट डेवलप करते होंगे। ये नीचे की तरफ देखिए क्यारियों में अभी छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं, बस यही हाइट के कुछ प्लांट इस हाइट के मिल जाएंगे, और कुछ मैंने आपको कहा कि 2 से 4 फुट तक के भी प्लांट यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको मीठा नीम भी मिल जाएगा, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें, नींबू के भी श्रब, काफ़ी बड़े बड़े नींबू के पेड़ भी यहाँ पर लगे हुए हैं यहाँ पे एक्चुअली आज एक्सप्लोर करने का। देखिए यहाँ पे जो सबसे डिफरेंट चीज़ मिली वो ये थी कि वेरीगेटेड हिबिस्कस यहाँ पर था। ये देखिए वेरीगेटेड हिबिस्कस यहाँ पे था, ये प्रीवियस गवर्नमेंट नर्सरी जहाँ हम गए थे वहाँ पर ये प्लांट अवेलेबल नहीं था, यहाँ ये चीज़ थी। पपीता वहाँ नहीं था, पपीता यहाँ है। अभी अपन नीचे की तरफ भी था उस क्यारी में, मैंने आपको दिखाया था। आंवले इनके पास हैं, अभी अपन अंदर चलते हैं। अंदर भी देखिए ये सेकंड पार्ट है इसका, नीचे की तरफ जो मैंने दिखाया वो, और ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे इन्होंने लाइन से क्यारियाँ बना रखी हैं, और कुछ क्यारियों में अभी इन्होंने कटिंग्स रेडी कर रहे हैं, और कुछ क्यारियों में इन्होंने के जो सीडलिंग्स हैं वो तैयार हो रहे हैं।
और कुछ क्यारियाँ जो इनकी हैं उसमें इनके प्लांट रेडी हैं सेल आउट के लिए। ये पपीता है, पूरे रो में पपीता रखा हुआ है। आगे जो है मीठा नीम है, आम है, उनकी छोटी छोटी पौध है वो लगी हुई है। तो ये सारे कुछ प्रिपेरेशन यहाँ पर कही हुई है। अगर मैं थोड़ा सा टाइम पे जल्दी आती तो फिर मैं आपको बाकी और चीज़ें भी अच्छे से दिखा पाती, या फिर हम किसी से बात करते कि क्या है। पर रेट इनके सिमिलर हैं, 8 रुपीज़ टू 15 रुपीज़ तक का। बड़ा पॉली बैग है वो 15 रुपीज़ का है, और जो छोटे पॉली बैग के प्लांट्स होंगे वो 8 रुपीज़ होंगे। ये इनका यहाँ पे प्राइस है। बाकी मैंने ज़्यादा कुछ बात नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे जो है वो मज़दूर ही हैं। बाकी जो थे यहाँ पे जो मुझे प्लांट्स की रिगार्डिंग बताते वो जा चुके थे। तो हम फिर कभी एक बार और शूट करेंगे। पर अभी अगर जो इस एरिया की घुघरा घाटी के आसपास रहते हैं, प्लांट्स लेने में इंटरेस्टेड जो लोग हैं, वो यहाँ से छायादार बड़े अर्जुन के पेड़, जामुन के पेड़, वो सेम चीज़ें यहाँ भी हैं। बस थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट कुछ प्लांट्स का मिलेगा। जैसे नागफन मुझे यहाँ पे दिख गया, यहाँ नागफन यहाँ पर है लेकिन उस नर्सरी पर नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक प्लांट में सिर्फ आर्टिस्ट वेराइटी ऑफ प्लांट्स है जो डिफरेंस है, बाकी तो सिमिलर चीज़ें हैं सारी यहाँ पर। तो आप वो जो है यहाँ पर आकर एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप अपने घर के बाहर की तरफ प्लांट्स लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, बिकॉज बहुत कॉस्टली प्लांट्स नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चों के बर्थडे पे या फिर कहीं ग्रीनरी करने के पर्पस से कहीं पर भी प्लांटिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ से प्लांट बाय कर सकते हैं। ये देखिए डेविल बैकबोन, और ये वहाँ पर शायद नहीं थे, जहाँ तक मुझे याद है नहीं था, ये यहाँ पर है। ये यहाँ पे देखिए मीठे नीम की जो पौध है वो तैयार हो रखी है। पूरी क्यारी में मीठा नीम रखा हुआ है, छोटे छोटे पौधे हैं मीठे नीम के, तो आप यहाँ से मीठा नीम भी बाय कर सकते हो। घर के लिए, गार्डन के लिए, कहीं भी लगाने के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि आपको एक ही जगह पर दो गवर्नमेंट नर्सरी मिल रही है, तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये नागचंपा रखा हुआ है, आप यहाँ से काफ़ी सस्ती रेट्स पे प्लांट खरीद कर अगर प्लांटिंग करना चाहते हैं कहीं सड़क के किनारे या अपनी कॉलोनी में, अपनी लेन के अंदर अगर आप प्लांटिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ से प्लांट ले जाके कर सकते हैं। और फ़ायदेमंद प्लांट ये है कि आप कचनार लगाइए, आप जामुन लगाइए, आप यहाँ पे ये रखा हुआ था। ये देखिए जो हमारा अभी ये जो प्लांट निकल कर गया, ये गुलदाउदी था, सॉरी याद ही नहीं आया नाम, गुलदाउदी था। गुलदाउदी की कटिंग्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, रेडी कटिंग्स हैं गुलदाउदी की, छोटे छोटे कटिंग्स इन्होंने रेडी किए हुए हैं। जिनके कटिंग्स नहीं रेडी हो पा रहे तो वो गुलदाउदी की कटिंग्स भी यहाँ से ले सकते हैं। मुझे दिख गया गुलदाउदी। तो अभी कुछ एक चीज़ें हैं, अभी देखिए चंपा है, चांदनी है। तो ये जो प्लांट है आप चांदनी के भी लगा सकते हैं, अगर बाहर भी आप चांदनी को लगा सकते हैं। तो ये जो कुछ एक प्लांट्स हैं, चंपा है, वो भी यहाँ पे रेडी मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लेके अपनी लेन में लगा सकते हैं। ये सारे जो हैं अर्जुन है, काफ़ी अच्छा प्लांट होता है अर्जुन का, मेडिसिनल वैल्यू बहुत है अर्जुन के प्लांट की। ये खूबसूरत सा चांदनी है, वेरीगेटेड चांदनी यहाँ नहीं है, वेरीगेटेड में केवल गुड़हल ही दिखा, पता नहीं और नहीं है वेरीगेटेड में। ये कुछ प्लांट सीडलिंग है जो हो चुकी है, बट मैं समझ ही नहीं पाई ये क्या चीज़ है एक्चुअली। काफ़ी मैंने देखा इसको बहुत देर तक, पर ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं किस चीज़ के। और ये आप जैसे ही उस उन दो जगहों से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हो तो ये एक जो है राइट में लेफ्ट में दोनों तरफ इन्होंने जो है अपना किया हुआ है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा आपको जो है इधर आधा पोर्शन इनका लेफ्ट साइड है, आधा राइट में है, फिर थोड़ा सा आगे चल के आधी क्यारियाँ राइट में है, आधी लेफ्ट में। ये जगह क्लोज हो चुकी थी तो मैं अंदर से देख नहीं पाई कि क्या प्लांट्स हैं। ये देखिए रोड साइड जो भी छाया वाले पेड़ लगते हैं ना, वो सारे यहाँ पर हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप उन्हें बता भी देंगे तो वो आपको निकाल के दे देंगे प्लांट्स। सेम प्रोसीजर है जो हमारी पौधशाला वहाँ पर थी पंचकुंड वाली, सेम प्रोसीजर है यहाँ पर भी। काफ़ी सपोर्टिंग स्टाफ रहा, जो लोग यहाँ काम कर रहे थे उनसे काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन रही, पर प्लांट मैं ले नहीं पाई। मैंने सिर्फ यहाँ से दो प्लांट बाय किए, जो मुझे टिकोमा दिख गया था, जो नॉर्मल टिकोमा था। मैंने अपना टिकोमा काफ़ी जगह लगाया है, काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है टिकोमा, आप यहाँ से ले सकते हो। हेज है पीछे, इन्होंने बरगद और बड़ के गुलर के इनकी भी कटिंग्स यहाँ पर रेडी हैं। अगर आपको ये भी लगाने कहीं ऐसी जगह पर जहाँ बहुत स्पेस है और बढ़ने की आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं कि कभी काटना पड़ेगा, आपको पीपल भी यहाँ मिल जाएंगे। ये वो पेड़ हैं जो मतलब आपके वाटर लेवल को काफ़ी बढ़ा देते हैं,
ये इनकी जो जड़ें होती हैं पीपल की, बड़ की, ये पानी को ढूंढते ढूंढते ज़मीन में बहुत गहराइयों तक चली जाती हैं, और जिस भी जगह आप रह रहे हैं ना वहाँ का वाटर लेवल को काफ़ी ऊपर लेकर आ जाती हैं। तो ये वो पेड़ हैं, अगर बहुत ज़्यादा जगह पड़ी है आपके पास जहाँ कभी कुछ मतलब नहीं कुछ कंस्ट्रक्शन होने वाला, तो उस जगह आप इन पेड़ों को लगा सकते हैं। काफ़ी छायादार पेड़ बन जाते हैं ये, काफ़ी बड़े हो जाते हैं। बहुत लोगों ने पीपल और बड़ के पेड़ देखे हैं, इन पे इतने बर्ड्स आके बैठते हैं, इतनी बर्ड्स की स्पीशीज़ आकर बैठती हैं कि उसकी वजह से इतना पॉलिनेशन और सब कुछ होता है, सीड्स खाती हैं गिराती हैं, नए पौधे बनते हैं। देखिए कोलियस है और ये 4 o'clock है, पीछे केली लगी हुई है, कोलियस की भी इन्होंने कटिंग्स ये लोग रेडी करने हैं। और ये देखिए 4 o'clock, ये जो ब्लैक ब्लैक मैं निकाल रही हूँ ना ये सीड्स हैं, तो मेरे हाथ से सीड ही गिर गया, ये इसके सीड हैं, चलो ये भी गिर गया, कोई नहीं नेक्स्ट कभी देखेंगे। अभी तो ये देखिए ये वो है, अब हम आ जाते हैं, अब चलते हैं घर की तरफ। ये था सेकंड गवर्नमेंट नर्सरी का विज़िट। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन, सेव नेचर।